मॉर्निंग क्लास सिक्स, आज आप एक सिक्स एफ पढ़ें। सिक्स एफ में है क्या? तो सिक्स एफ में डिवाइड देंगे हम, और डिवाइड देते समय डेसिमल बनानी होगी, डेसिमल नंबर। तो कैसे बनाएंगे ये चीज को आप देखें। जैसे पहला क्वेश्चन तो वेरी सिंपल है, ये तो आप अपने आप ही कर सकते हैं। जैसे देखो 9/10 है, तो हम 10 का डिवाइड 9 में देंगे तो 0.9 आ जाएगा। ऐसे ही अगला देखते हैं C 100, तो 1 का डिवाइड 6 में दिया 6, अब 2 जीरो लगे हैं तो 2 डिजिट लाना पड़ेगा डेसिमल के लिए, तो 2 डिजिट आ जाएंगे। ऐसे ही हम देखते हैं आई वाले में 6059/10,000, तो हमें 1 का डिवाइड देना है 6059 में, तो 6059 आ जाएगा। अब जीरो गिन लेते हैं हम कितने हैं, इसमें 4 जीरो है, तो 4 जीरो 1 2 3 4 पॉइंट लगा दीजिए। ये तो आप सिंपल थे कर सकते थे, लेकिन अगला वाला सवाल जो है वो अब आपको डिवाइड से ही करना पड़ेगा। जैसे 1/4, तो आप 4 का डिवाइड दीजिए 1 में, मैं तो कह दूंगा 0.25 आ जाएगा, लीजिए हमने लिख दिया। लेकिन आप कैसे करेंगे, 4 का डिवाइड 1 में देंगे, अब 1 में नहीं जा सकता तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लगाया तो 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब कोई टेबल पढ़ सकते हैं, 4 2 8, अब 2 बचा, अब डेसिमल लगाए, अब आप दोबारा डेसिमल नहीं लगाएंगे, डेसिमल जब लगा होता है तो एक बार एक जीरो नंबर लेने के लिए हम सक्षम हैं, तो 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो अब 4 5 4, आपने देखा 0.5 आ गया, जो मैंने पहले लिखा था वो आपने लिखना है। इसे ऐसे ही अगला करते हैं 7/8, तो हम 8 का डिवाइड दें 7 में, नहीं जा सकता तो हमें क्या करना है, पॉइंट लगाया 1 जीरो बढ़ा दिया। अब 8 की टेबल पढ़ ले, 70 से अधिक ना हो तो 8 8 = 64, अब 6 बचा, डेसिमल लगा था तो 0 फिर बढ़ा देंगे हम, तो 8 7 = 56, 4 आ गया, फिर डेसिमल में 1 0 बढ़ाएंगे। जब तक ये काम करते रहेंगे जब तक ये डिजिट पूरी नहीं क्रॉस की जाए, तो 8 5 = 40, तो हमने देखा 0.875 आ गया। तो ये तो अभी छोटी छोटी डिजिट के थे, अब जैसे इसमें 16 का है, 50 का है, 40 का है, तो देखो ये कैसे करेंगे, अब दीवाला ले रहे हैं 53/60, प्रक्रिया वही है जैसे आप करें 16 का डिवाइड 53 है। अब देखो आप डेसिमल लगाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, 16 की टेबल हम इसमें पढ़ सकते हैं, तो 16 3 = 48, अब हमारे पास देखो 13 में से 8 माइनस कर दिया 5 बचा, अब हम डेसिमल लगाएंगे क्योंकि तो होल नंबर हमें मिल गया 3, तो पॉइंट यहां लगाया तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 16 की पढ़ेंगे तो 16 3 = 48, अब 2 पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया 16 = 16, 4 फिर 0 बढ़ा दिया 16 2 = 32, 8 आ गया फिर 0 लगा दिया 16 5 =
80। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे देखो नंबर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो 3.3125 इस तरह आ गया। अब अगला एक क्वेश्चन है होल नंबर में, जैसे एफ वाला 19/17/4। अब आप देखो इसके दो तरीके हैं, दो तरीके क्या हैं? पहले आप इसको इम्प्रॉपर बना दिए, इम्प्रॉपर बना के फिर 40 का डिवाइड कीजिए, तो 19 आपका हर कीमत में होल नंबर आएगा, ये 19 के बाद ही डेसिमल लगेगा। तो क्यों हम इतना बड़ा काम करते हैं तो छोटा करें, तो हम 40 का ही डिवाइड 17 में देके देख लें तो सिंपल आ जाएगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, तो पॉइंट लगाया 0 आ गया, ये 0 जो है वो होल नंबर में काम करेगा आपका। तो 4 4 जा 16, अब फिर 0 लगा दिया तो 4 2 जा, वो भी बोल नहीं पड़ रहे हैं, 4 2 जा 8 20, 4 5 जा 20। तो आपने देखा कि हमारा आया 40 में का डिवाइड 17 में लिया तो 0.425 आया, तो 19 होल नंबर है तो 425 और ऊपर हम लिख दीजिए। तो इस तरह से ये हमारे डिवाइड लेकर ही डिवाइड आपको शो करना है, नहीं आंसर शीट में देख के कर देना है, तो आप इसको करके रखिएगा।